हम इस पहलू पे भी जरूर शायद किसी और वक्त बैठेंगे और कोई तजावीज है। तालिबान का बहुत कहते हैं कि तालिबान ने पढ़ने नहीं दिया, जो इवान रिडली है आई थी यहाँ पे, उन्होंने बताया कि जब काबुल यूनिवर्सिटी खुली है पोस्ट तालिबान, तो उसमें अक्सरियत जो लड़कियाँ मेरिट पे जिन्होंने टेस्ट दिया, अक्सरियत लड़कियों को एडमिशन मिल गए। तो जिस दौर में अगर पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं था, तो वो हाउ डिड दोज गर्ल्स कम्पीट अगेंस्ट बॉयज एंड गेट एडमिशन, मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा। सिफारिश देने के साथ एक और सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हुई थी, इस पे भी मैं चाहूंगी कि इस पे कम से कम ये शायद एक वो इशू है, इस पे हमें सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि हमारा मीडिया औरत का जो किरदार दिखा रहा है वो औरत का मसला तो नहीं है कि वो मतलब जो हमारे इश्तेहार आते हैं कि एक औरत जो है ना बाल में शैम्पू इसलिए करती है कि पीछे कितने लोगों ने मुड़ के देखा, वो जा रही है निकल के, उसके मसाइल हैं, उसके काम है, वो मतलब चाय क्यों इस्तेमाल करती है, कॉफ़ी क्यों इस्तेमाल करती है, टॉफी क्यों इस्तेमाल करती है, मतलब जहाँ पर औरत की कोई हैसियत नहीं बची। तो औरत का जो किरदार और जो हैसियत दिखाई है, इससे भी मतलब जो इस हैरेसमेंट का तनासुब है और हर जगह होता जा रहा है और औरत भी अपनी जगह से हटती जा रही है, तो हमें इस मुकाम पे भी गौर करना है। हम अपनी सिफारिशात आपको सुनाते हैं। मैं तो बता देती हूँ कि सेक्शुअल हैरेसमेंट के बारे में एक जरा ये मैं वाजे कर दी हूँ कि मैंने हुदूद ऑर्डिनेंस का पूरा स्टडी की है और उसका एनालिसिस तैयार की है और मैंने उसको पढ़ा है, उसके सेक्शन 19 से लेके 22 तक के जितने भी क्लॉज थे वो सारे देवर अबाउट सेक्शुअल हैरेसमेंट, वो सारे उसमें एक्ट्स थे और उसमें सज़ा ये रखी गई थी कि जो इनके मेजर एक्ट्स हैं उनके हाफ के बराबर उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास हैरेसमेंट का कोई कानून नहीं था। अच्छा, अब हमने मौजूद है सारी, ठीक है। चले अब हम इस वक्त अपने मौजू पे आ जाते हैं, जो इस वक्त हमने आप देख लीजिए एक बार एक सिफारिश हमने ये की अभी आपके से कि औरतों को अपनी सलाहियतें और कारकर्दगी दिखाने का मौका इनके बुनियादी इंसानी हक यानी इज्जत और वक़ार और इनकी घरेलू ज़िंदगी को मुतासर ना करके करने वाले खतूत पर बनाए जाएँ और उनको मौक़े उसके मुताबिक उनको मौक़े फराहम किए जाएँ। दूसरी बात ये थी कि औरत की किफालत कानून मर्दों की जिम्मेदारी है, जो मर्द इस पर अमल ना करें इस पर कानूनन गिरफ्त की जाए, कोई कानून साजी इस पर की जाए। मीडिया में जो माशरे में दिखाने पर मबनी फरसुदा जाहिलियत की बुनियाद पर ख्याल मतलब दिखावा और ये जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारी रस्में मतलब आप वो निज़ाम बताते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप जो भी ख़ानदानी निज़ाम पर जो इंटीरियर सिंध के ख़ास तौर से जितने भी ड्रामे बन रहे होते हैं बाज़ वक़्त बिल्कुल एक ऐसी चीज़ दिखा देते हैं जो हक़ायक की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है ना, उसके खिलाफ या बहन उसके लिए एक अलग डिस्कशन होनी चाहिए मीडिया की, क्योंकि मीडिया की डिस्कशन में आपने कहा कि ये मैंने अनीस बहन की और आपदा बहन की इन्हीं बातों से सिर्फ इस बात को नहीं कहा, नहीं ये बात की कि आप सिर्फ एक मिनट देखिए आप कहेंगी मैं काट दूंगी, सिर्फ आपकी इन दो आप दोनों की गुफ्तगू से और भी लोगों ने कहा कि आप सिर्फ औरत को मदर इल्जाम मत ठहराइए बच्चों के बिगड़ने में, मीडिया का जो किरदार है या किसी चीज़ों के पूरे मीडिया और माशरे का हाथ है, ठीक है, मर्द का जो हाथ है सब पूरे माशरे का। अगर 50% कोटा की बात होती तो कोटा सिस्टम तो मैं कहती हूँ होना ही नहीं चाहिए, फिर मेरिट बेसिस ही होनी चाहिए कोटे के बजाय, यही मेरिट को प्रमाण चढ़ाए कोटा सिस्टम और औरत के लिए वो साजगार हालात वर्क प्लेस पर पैदा करें और ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी यानी मेरिट लाए उसके साथ। देखिए ये सप्ताह मुलाजमत में कोटा सिस्टम की बजाय एहलियत का मेयार बनाया जाए, ठीक है, जिन खवातीन के कफील नहीं हैं इनके लिए हुकूमत वजीफा मुकर्रर करे और अफलाही इदारे भी इस ज़मन में अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें। इस ज़मन में हमारे यहाँ कोई काम अब तक नहीं हुआ है और हमें कोई ना कोई स्कॉलरशिप या कोई ऐसी स्कीम मुख्तलिफ स्कीमें निकलती हैं, कोई काम किया जाए, कुछ कह रही हैं। देखिए अभी वो तो मेरिट जो स्कॉलरशिप होते हैं ना वो मेरिट पर होते हैं, अब वो बच्चे जो इतने ज्यादा स्कॉलरशिप तो बहुत कोई उसके पर तो सिफारिशें इतनी चल रही होती है मतलब काबिल बेसिक जो एजुकेशन है वो तो होनी चाहिए स्टेट की तरफ से, एटलीस्ट मैट्रिक तक तो ये बाउंड करे ना स्टेट को कि वो एजुकेशन दे, जो फ्री एजुकेशन हम कह रहे हैं कि जो बेवा गरीब औरतें हैं या जिस बात तक की अभी बात करेंगे जो बिल्कुल आपका ग्रास रूट लेवल पे जो खातून बैठी हुई है जिसके पास मियाँ है तो माजूर है या कमा के ला रहा है तो 2 रुपए ला रहा है, ज़कात फंड से मिल कोई फंड मतलब वो भी आपस में बांट लेते कहीं भी कुछ नहीं है ना, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की बात कर रही है ना, ये बहुत वैलिड है कि आप उन खवातीन के जिनके कफील नहीं है या जिनके अंदर एबिलिटी नहीं है, रिजल्ट तो नहीं है कि 80 साल की औरत है वो बेचारी कहाँ जाके खुलेगी, वो सिस्टम बनाना जरूरी है। लेकिन देखिए इसकी भी जो डिटेल्स है ना, इसकी सिफारिशात या तजावीज़ आप बेशक और 4 लोगों के साथ बैठे
यूसीज के लेवल पे, अब आपका अगर ये सिस्टम है तो उसको फिर आप इस पॉइंट को इसमें शामिल करें, इसकी डिटेल फिर आप अलग, अगर इस बात हम लोग देते हैं कि ये सिफारिश हम लिख रहे हैं और इसको हमारे पास भेज देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37 है उसमें ये सारी बातें की गई हैं, जहाँ उसके हवाले से सोशल जस्टिस के हवाले से, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, उसके लिए सारा एक साजगार माहौल पैदा करना, ये सारी स्टेट की जिम्मेदारी है, इनवैलिड जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करना, तो जो हमारा सोशल जस्टिस का वो है आप स्टेट उसको मुतालबा करें कि उन कानून को लाके जो अलग जो औरत मुलाजमत करना चाहे उसकी काम की जगह उसकी फितरत के इसकी फितरत और घरेलू जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखकर मुकर्रर की जाए, मतलब जो आप कह रहे हैं उसकी उसके लिए जो सहूलतें हैं वो वहाँ पर, या उनके औकात कार की जो एक बात भी है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारियों और जरूरत को देखिए। ये बड़ी अब होता क्या है, जैसे जिसकी बात हुई है आपने भी बल्कि मतलब रखा, ये नेचुरल बात है, जो औरत अपनी चीज़ों में तवाज़ुन लेके चलना चाहती है, जैसे 5 ईयर्स आपने का बच्चे कम से कम इस काबिल हो जाए कि अपनी बात अपने जज्बात को बयान तो कर सके। होता क्या है कि वो इब्तदाई 10 साल तो इंतहाई अहम है फील्ड के, मतलब आपकी फैमिली लाइफ के लिए, 20 साल शादी बस, जब लड़की चाहे वो बड़ी काबिल है, उसके अंदर टैलेंट है, वो बहुत अच्छी मैनेजर है, वो खातून चाहती है कि जी वो जाए, क्यों नहीं जाए, गवर्नमेंट जॉब में भी जाए, पता चलता है कि अब वो उस एज लिमिट पे आ चुकी है कि अब वो क्वालिफाई नहीं कर सकती। एग्जैक्टली हमने अपनी सिफारिशात में इसीलिए बात रखी है कि मर्दों के लिए आप यहाँ, औरतों के लिए आप यहाँ पे सरकारी मुलाजमतों की हदूद में आप जो इदारे सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है वहाँ सिर्फ औरतों का इख्तियार दिया जाए। मिसाल के तौर खवातीन कॉलेज में खवातीन असातिज़ा की तकरीरी, औरतों के अमराज और सेहत के मामले में खवातीन डॉक्टरों की तकरीरी कानूनी तौर पर यकीनी बनाया जाए, मतलब गायनी वार्ड में सारे मेल डॉक्टर क्यों हैं जबकि खवातीन डॉक्टर जजेस का भी फैमिली कोर्ट्स में लेडीज जजेस का अगर होता है तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा समझ सकते हैं। और मेडिकल में ये होनी चाहिए बस, आप और तो कोई बात और इसके अलावा कुछ शामिल करना चाहिए, ये तो लिख दी है ना लाजमत, अच्छा लिख दी कोटा सिस्टम, नहीं जो जितने सारे ट्रेड में कोटा सिस्टम का खात्मा, हाँ ये खत्म होना चाहिए, मेरिट बेसिस होना चाहिए, एडमिशंस नहीं मिल रहे होते हैं कि भाई वो इंटीरियर का होगा, अर्बन का एक है तो 20 इंटीरियर के, और वो अर्बन का एक जो है वो मेरिट पे होता है, बाकी वो दूसरे लोग मेरिट की बुनियाद पर अर्बन की, और दूसरी ये होता है कि विसिनिटी का उसमें लिखा होता है कि जो जो वहाँ का अगर इंटीरियर्स की जॉब्स होती हैं उसमें मेंशन होता है कि जो वहीं के विसिनिटी के होंगे उनको प्रीफर किया जाएगा, और अर्बन वाले के लिए ऐसी कुछ नहीं होती, एक जॉब होती है अर्बन की वो भी मेरिट पे, और वो विसिनिटी पे कंसिडर नहीं करती इतनी वो भी। अच्छा मैंने की है, और जब हम होते थे कॉलेज में तो हमारा जो क्लिनिकल ग्रुप बनाया जाता था तो उसमें हम 4 लड़कियां होते थे और 7 हमारे साथ बॉयज़ होते थे ना, क्योंकि उस वक्त जो है ओपन मेरिट का नहीं था, हम जैसे पास आउट हुए हैं उसके 1-2 साल के बाद ओपन मेरिट का कानून बन गया, और लड़कियां जो है वो अब वो मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल ये कि वो गर्ल्स कॉलेजेस बने हुए हैं। मेरी अपनी डॉक्टर जो है उसकी शादी है बीए पास से मजबूरी में होने लगी और वो उसकी डाइवोर्स हो गई, वो गुजारा ही नहीं कर सकी उस बीए पास के साथ, तो थोड़ा सा ना काबिलियत अगर मैरिट रखी है ना, ये देखिए अगर हम एक लड़का है और 11 लड़कियां बैठी हैं, देखिए अगर हम सिर्फ बॉयज कॉलेजेस छोड़ दें, गर्ल्स कॉलेजेस छोड़ दें, बॉयज कॉलेजेस जो है बॉयज मेडिकल, वो तो डिपेंड होता है बॉयज और गर्ल्स का, अलग अलग सेपरेट कर दी, फिर आप देखें वहाँ 2 पढ़ते हैं लड़के 4 पढ़ते हैं, वो उनकी अपनी जेंडर इशू ना बनाए इसको, अपने लड़कों की स्किल है ना कि वो आगे नहीं आ रहे हैं उसके लिए तो कोई उनको जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, वो सारी लड़कियाँ मैरिट होने के बावजूद बाद में छोड़ देती हैं, नहीं कर पाती है, उससे क्या होता है कि जो एक लड़का डॉक्टर बनने वाला है उसकी सीट जा रही है, थोड़ा सा मैंने ये सारी चीजें देखी लेकिन फरा इसके लिए अभी ना स्टेट लेवल पर ही आपको बहुत बात कर काम करते हैं, और फिर 4 साल बाद बना लाते हैं।
कर रही हूँ।